तो आज हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग और वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग की हमारी जो है सेकेंड लास्ट चैप्टर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं और हम आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉम्प्टी डायरेक्टरी एंड हाउ कैन कॉपी एंड पेस्ट के बारे में कि किस तरीके से डेटा को कॉपी एंड पेस्ट करेंगे उसके बारे में हम जिक्र करेंगे और साथ में हम जिक्र करेंगे प्रॉम्प्ट डायरेक्टरी के बारे में कि हम डायरेक्टरी को कैसे प्रॉम्प्ट करेंगे। ठीक है सर, क्या बोल रहे हैं? एक VBA के साथ में एक डैशबोर्ड भी बनाने के लिए वो हो सकता है। हाँ, अभी बताएंगे VBA के साथ डैशबोर्ड बनाना। हम क्या करना चाहते हैं हमारे आज की इस क्लास में से सुनिए। हम चाहते हैं यहाँ पे कि हम दो बटन बनाना चाहते हैं। ठीक है, यहां पे लिखते हैं फ्रॉम पाथ फ्रॉम फोल्डर, फ्रॉम फोल्डर और यहां पे हम टू फोल्डर। इसलिए क्या है कि मेरे पास बहुत सारे फाइल्स हैं, मैं उन फाइल्स को जो है उन फाइल्स को किसी और फोल्डर में मर्ज करना चाहते हैं। तो मैं जितने फाइल्स हैं उन फाइल को एक एक करके सिलेक्ट कर लूं, यहां इसका लिस्ट आ जाएगा और जब हम जहां मुझे पेस्ट करना है वहां और लिस्ट दे दूं, जैसे मैं क्लिक करूं कॉपी पे, इस लोकेशन पे सेव हो जाना चाहिए। समझे? तो इस लोकेशन में हमारा सेव हो जाना चाहिए। तो वो हमारा जो प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम समझ लिया आपने? हम क्या करना चाहते हैं ये आपको अंडरस्टैंड हो गया? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? चलिए हम वन बाय वन करते हैं, राइट? तो हम सबसे पहले पहले मैक्रो यहां बनाएंगे, यूजर बेसिक पे जाके इंसर्ट यहां पे मॉड्यूल्स और यहां पे हम सब्जेक्ट देते हैं, यहां पे करते हैं सिलेक्ट फाइल, एक मैक्रो बनाते हैं जो कि फाइल को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, तो फाइल को सिलेक्ट करने का कोड क्या होता है इसके बारे में देखिए। इसके लिए मैं लिखते हैं यहां पे fn, fn इक्वल एप्लीकेशन डॉट गेट ओपन फाइल। ठीक है, और इसके अंदर में क्या है कि फाइल फिल्टर, हमें क्या करना है? सबसे पहले फाइल फिल्टर। फाइल फिल्टर में क्या होता है, जैसे मुझे सिलेक्ट करना है सिर्फ एक्सेल की फाइल, तो मैं यहां पे लिखूंगा इन्वर्टेड कॉमा में एक्सेल फाइल्स जो कि वहां दिखेगा और फिर स्पेस देके ब्रैकेट में यहां लिखूंगा स्टार डॉट एक्सेल। ये लिखाने का तरीका है,
और फिर इसमें कॉमा दूंगा और स्टार डॉट एक्सेलेस कर दूंगा। इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। उसके बाद फाइल इंडेक्स नंबर, तो मैंने यहाँ पे 1 दे दिया। ये इंडेक्स क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा। टाइटल यहां दे दूंगा सिलेक्ट, फाइल और हम इसको क्लोज कर देंगे। समझ गए? अब इसमें देखिए दो चीज। अब मैं इस पे इसको बटन बनाता हूं यहां। अब इस बटन पे हम उस माइक में कमांड बटन लग गया, हमें यहां पे ए बटन देता हूं और इसको यहां पे ड्रैग करता हूं और फाइल को ओपन। और यहां पे हम लिखेंगे सेलेक्ट, अब यहां पे लिखते हैं कि रेंज कौन सा कॉलम है, बी। बी 65,000 डॉट एंड एक्सेलेस आप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू एफ है। अब जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो गेट ओपन फाइल मेथड मुझे इस तरह का डायरेक्टरी देगा। मैं अपना फाइल चूज करूंगा। अब यहां पे क्या है, एक्सेल फाइल। देखिए यहां पे कुछ नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि तो एक्सेल फाइल मैंने दिया हुआ है डॉट एक्सेलेस फाइल का एक्सटेंशन। तो डॉट एक्सेलेस का एक्सटेंशन दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2003 का फाइल है। तो मैं यहां पे एक्सेलेस डॉट एक्सेलेस एम कर देता हूं और यहां पे एम कर देता हूं, स्टार यहां भी लगा देता और यहां भी स्टार। देखिए अब क्या हो, दोनों तरफ स्टार लगा दे। अब देखिए आ गया ना यहां पे फाइल, क्या सर? तो वहां पे एक्सटेंशन डालने का फायदा ये होता है, फाइल में आ गया। लेकिन मुझे क्या करना है कि मुझे यहां पे इस तरह से नहीं करना है, मुझे एक्सेल एक्सेलेस एक्सेलेस एम तीनों का अलग अलग करना, और एक ऑल फाइल्स भी रखना। मैं चाहता हूं एक से ज्यादा फाइल का यूज करना, तो उसके लिए मुझे यहां पे एक एफएल के नाम से वेरिएबल बनाया। एफएल के नाम से मैं यहां पे लिखूंगा सबसे पहले कि एक्सल 2003 और स्पेस दिया और मैंने ब्रैकेट में स्टार डॉट एक्सएलएस एक्सेलेस कर दिया और ब्रैकेट एंड कॉमा दिया हमने और यहां कर दिया स्टार डॉट यहां पे एक्सेलेस। और उसके बाद यहां पे लेकिन अब एक से ज्यादा करना है, यहां लास्ट में भी एक कॉमा होना चाहिए, ध्यान रखिए कॉमा हो गया। उसके साथ मैंने कॉनकेटेनेट किया। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, एक अंडरस्कोर करता हूं, तो ये स्पेस देके अंडरस्कोर करना पड़ेगा, स्पेस देके किया। अब यहां पे लिखूंगा एक्सेल 2007 2016 फाइल।
यहां पे हो जाएगा स्टार डॉट एक्सएलएस एम, एक्सएलएस एक्स माफ कीजिए, एक्सएलएस एक्स ब्रैकेट क्लोज और फिर यहां पे आएगा स्टार डॉट एक्सएलएस एक्स और फिर कॉमा और यहाँ पे माफ कीजिए यहाँ पे कॉन्कना नेट हमने नहीं लगाया हुआ, यहाँ लगा देते जितना नहीं। और फिर यहाँ पे सेम यहाँ पे आते हैं और हम स्पेस देके अंडरस्कोर करते हैं ताकि नीचे लिख सके। और फिर एन परसेंट हम यहाँ पे देते हैं कि माइक्रोफाइल, माइक्रोज फाइल और यहां पे देते हैं स्टार डॉट एक्सएलएस एम और ब्रैकेट क्लोज स्लैश यहां पे देते हैं स्टार डॉट एक्सएलएस एम एंड कॉमा और फिर अंडरस्कोर देते हैं और फिर यहां पे एन परसेंट देते हैं और यहां पे देना है ऑल फाइल्स और यहां पे लिखते हैं स्टार डॉट स्टार, ठीक है, स्टार डॉट स्टार और कॉमा अगेन स्टार डॉट स्टार और लास्ट में यहां कॉमा नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि इसके बाद अब मुझे कोई और नहीं लेना है। तो इसमें क्या होगा, अब यहां पे जो हमने लिख रखा था इसके जगह पे हम दे देंगे अपना एफ एल, ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि क्लिक किया, अब यहां पे मेरे पास ऑप्शन था कि मैं एक्सेल प्लान 16 का फाइल लू या मैक्रो फाइल लू या ऑल फाइल, जो हम सेलेक्ट करेंगे वो फाइल का पूरा पाथ के साथ पूरा नेम यहां पे आ जाएगा। गेट ओपन फाइल नेम मेथड आपको समझ में आया? अब बात करते हैं कि यहां पे जो वन हमने लिखा हुआ है इसके जगह पे वन क्या हुआ कि जब इसको हम करें तो डिफॉल्ट क्या सिलेक्ट हो, मतलब कि एक्सेल सिलेक्ट हो, कुछ ऑन सेवन वाला सिलेक्ट हो या माइक्रो सिलेक्ट हो या ऑल फाइल सिलेक्ट, उसका सीक्वेंस जो है आपको यहां इस पे देना होगा। क्लियर है सर? किसी को डाउट इसमें? अंकित जी, अतीश पांडे जी, कोई डाउट इसमें? नहीं सर, नो सर। नहीं है ना? अब इसमें आता है, इसमें लास्ट में हम जो है यहां पे देते हैं यहां पे मल्टी शीट, मल्टी शीट में हमने मान लीजिए यहां पे टू कर दिया मल्टी सिलेक्ट, मतलब कि अभी तक हम एक ही सिलेक्ट कर रहे हैं लेकिन मुझे अगर एक से ज्यादा फाइल सिलेक्ट करना हो तो मल्टी सिलेक्ट हमने यहां पे कर दिया टू। अब दिक्कत क्या है मल्टी सिलेक्ट पे कि अब मैंने जैसे कि मैंने कि एक फाइल यहाँ पे सिलेक्ट कर, मल्टी सिलेक्ट से पहले एक और चीज चाहिए कि हमने यहाँ पे फाइल सिलेक्ट करके ओके की तो यहाँ पे डेटा आ गया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि फाइल सिलेक्ट करके हम स्केप मार दिए तो फिर यहाँ पे देखिए फॉल्स आ गया, हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे कंडीशन है कि इफ नॉट इज एरे, इज एरे और इस पे हम दे देते हैं अपना एफ एन फाइल नेम, देन मैसेज देगा कि एम एस जी बॉक्स नो फाइल सिलेक्टेड। ये समझ में आया है? बताऊं आपको अंकित जी, समझ में आया?
मुझे जैसे ही मल्टी स्लिट ट्रू कर दिया, जैसे हम एक से ज्यादा फाइल करेंगे, तो ये एफ एन क्या है? एफ एन एक स्ट्रिंग है, हम यहाँ पे डिफाइन कर रखा है डीम एफ एन एज ए स्ट्रिंग, राइट। हमने एफ एन को क्या कर रखा है, स्ट्रिंग या वेरिएंट भी कर लीजिए, हम यहां पे वेरिएंट कर देते हैं। तो अगर इस पे एक से ज्यादा डेटा स्टोर होगा एरे फॉर्म में, जैसे स्टोर होगा तो वो एरे के अंदर में आ जाएगा। तो मतलब कि एक से ज्यादा, मतलब कि कर्ली ब्रैकेट में एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर है, इट मींस ये आपका इस पे एक से ज्यादा सिलेक्टेड है, तो भी कोई सिलेक्टेड है, नहीं सिलेक्टेड है तो ब्लू आएगा, कुछ नहीं आएगा, फॉल्स आएगा, समझे। अब बात आती है सिलेक्टेड होगा तो क्या होगा, तो यहां पे लूप चलेगा कि फोर आई इक्वल टू चले एल बाउंड, मतलब कि लोअर बाउंड। ये भी देख लीजिए नई चीज आप लोगों के लिए, लोअर बाउंड एफ एन टू अप यू बाउंड अपर बाउंड। मतलब कि एरे में क्या होता है कि अगर एक वेरिएबल पे एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर है तो एरे होता है। तो एरे में हमें पता नहीं कितनी वैल्यू स्टोर है, तो हमने बोला कि भाई सबसे लोअर बाउंड, मतलब सबसे पहली वैल्यू से सबसे आखिरी वैल्यू, ठीक है, सबसे पहली वैल्यू से सबसे आखिरी वैल्यू। और यहां एफ एन में हम ब्रैकेट में आई देते कि ए हो गया हमारा वेरिएंट, इसलिए तो एक एक करके सारे वैल्यू को यहां स्टोर करते चला जाएगा। यहां पे नेक्स्ट आई कर, अब देखिए कि हम फाइल सिलेक्ट करते हैं और हम मान लीजिए कि कई सारे फाइल, यहां पे हम ऑल फाइल कर लेते हैं, ऑल फाइल्स में हम यहां पे ए भी ले लेते हैं, हम ए भी ले लेते हैं और ए भी ले लेते हैं, तीन फाइल ले लेते हैं। और जैसे हम इसको ओपन पे क्लिक करते हैं, ये देखिए तीनों फाइल का पाथ वन बाय वन यहाँ पे एंट्री कर दी। और फिर मैं मान लीजिए कि एक कुछ और फाइल थी जो कि डिफरेंस लोकेशंस में है, जैसे कि मुझे चाहिए डॉक्यूमेंट की फाइल, डॉक्यूमेंट में कुछ फाइल है, यहाँ पे मैं ऑल फाइल्स में आता हूँ और डॉक्यूमेंट में मान लीजिए कि मेरे पास कुछ फाइल से मेमो है, तो मैं एक साथ तीनों मेमो को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड ओपन करता हूँ। इस तरह से हम अपने सारे फाइल्स को यहां ले लें। अब आता है कि हमें इस फाइल को किस लोकेशंस में कॉपी करना है, तो उसके लिए हम एक बनाते हैं। तो यहां पे मुझे क्या चाहिए, जस्ट फोल्डर पाथ, क्या चाहिए, जस्ट फोल्डर का पाथ चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम मैक्रो बनाते हैं, सब्जेक्ट एफ एल डी ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। तो उसके लिए हमारे पास क्या मेथड है, उसके लिए मेथड है हमारे पास फ्रॉम डायरेक्टरी, उसको बोलते हैं फ्रॉम डायरेक्टरी। तो यहां लिखेंगे विथ कमांड के साथ लिखते हैं कि विथ एप्लीकेशन डॉट फाइल डायलॉग, फाइल डायलॉग, और यहां ब्रैकेट में हम सिलेक्ट करते हैं फोर फोल्डर पिकर, फोल्डर पिकर। अब डिफॉल्ट लोकेशन बताना पड़ेगा, तो होता है इनिशियलाइज में, इनिशियल फाइल नेम, कि हमारा डिफॉल्ट लोकेशन क्या होना चाहिए। तो मैं बोलता हूं कि एक्टिव वर्क बुक डॉट पाथ, इसका डिफॉल्ट लोकेशन होगा। डिफॉल्ट लोकेशन समझेंगे जब हम ओपन करेंगे ना, यहां पे इसे सिलेक्ट कर लिया तो ये बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट में जा रहा है ना, ऐसे डिफॉल्ट किस में जाए,
फाइल हमने यहाँ पे लिख दिया देन टाइटल की ऊपर में टाइटल क्या शो होगा तो हमने लिख दिया सिलेक्ट पेस्ट फोल्डर लोकेशन। उसके बाद डॉट शो, उसके बाद यहां पे हम कर देते हैं रेंज, कहां पे करना है H5 पे F5 डॉट वैल्यू इक्वल टू डॉट सिलेक्टेड आइटम कॉमा जी और फिर यहां पे जाएगा एंड विथ। इसी क्या होगा देखिए, अब इसमें एक बटन अपाइन करते हैं और हमने यहां पे FLD को सिलेक्ट कर दिया और इसमें सेलेक्ट। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे सिर्फ फोल्डर चूज करने हैं। हमें क्या चूज करने हैं, जस्ट फोल्डर। सी ड्राइव में मैंने 2016 को इसमें 1 को सिलेक्ट कर लिया एंड ओके। एक मिनट दुबारा वहां पे दिक्कत, अच्छा मुझे यहाँ पे 1 देना, 1 ऑफ द 0 देना, पे 1 देना पड़ेगा ठीक है। तो यहाँ पे उसका लोकेशन शो कर दिया, लोकेशन जब शो कर दिया तो एक काम और कर सकते हैं कि इसके साथ हम कॉनकेटेनेट कर देते हैं इसका स्लैश कर। तो क्या होगा, अब मैं अगर सिलेक्ट करता हूं तो ये इस तरह से आएगा। उसके बाद मैं यहां एक बटन बनाना चाहता हूं, कॉपी का एक सिलेक्ट करूं, ये सारे फाइल कॉपी होके यहां पे आ जाए। तो कॉपी करने का क्या तरीका है पता आपको, चलिए कॉपी के लिए हम करते हैं बनाते हैं। समझ में आ रहा ना सर, कॉपी का। तो कॉपी का तरीका क्या होता है कि कॉपी ओरिजिन, इसके हमने पढ़ दिया कि ओरिजिन पाथ एज ए डेस्टिनेशन पाथ, यहाँ पे फाइल कॉपी होता है क्या, फाइल सोर्स एंड डेस्टिनेशन, ओरिजिन पाथ एंड डेस्टिनेशन पाथ आपको देना आता है, कॉपी हो जाता है। पर प्रॉब्लम क्या है कि डेस्टिनेशन तो हमारा एक ही है, ओरिजिन हमारा अलग अलग है, तो यहां पे लगाना पड़ेगा लूप कि 4i = चले कहां से 5 से, कहां तक चले तो हमने बोला कि रेंज B65000 डॉट एंड एक्सएलएस अप डॉट रो, उस रो तक। और मैं सब मुझे सबसे पहले हर जितने भी फाइल नेम है इसका मुझे नेम अलग करके इसमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक पूरा पाथ है लेकिन इसमें मुझे इसके साथ फाइल नेम भी चाहिए तभी मेरा कॉपी हो पाएगा। मतलब कॉपी करने का तरीका होता है कि फाइल कॉपी और इसमें देना होता है इस तरह से कि सी ड्राइव में 2016 के अंदर 1.xlsx है उसको कॉपी करना है डी ड्राइव में 2017 के अंदर 1.xls, लिखने का तरीका कुछ इस तरह से, समझे, लिखने का तरीका कुछ इस तरह से। बट प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास ओरिजिन मतलब कि जिस फाइल को कॉपी करना है वो तो ठीक ठाक है,
लेकिन जहां पेश करना है वहां से उसका फोल्डर नहीं है, तो मुझे हर किसी में से पहले फाइल नेम को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो फाइल नेम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या उपाय है, देखिए fn चलाते हैं इक्वल, ये होगा इन str reverse और इसमें हमारा हो जाएगा रेंज b के साथ कंबाइंड i डॉट वैल्यू। क्या ढूंढना है तो हमने बोला मुझे इसको ढूंढना, उसके बाद एफ एन नहीं होगा यहाँ पे, माफ कीजिएगा यहाँ पे होगा सी टाउन, अब यहाँ पे होगा एफ एन इक्वल टू राइट, राइट इसकी कंप्लीट लेन राइट में आ जाएगा हमारा, ये जो हमने ये दे रखा है ये वैल्यू वैल्यू हो जाएगी। और हमने बोला लेन इसकी कंप्लीट लेन में से माइनस करो इसको सी को, तो फाइल नेम, तो ओरिजिन क्या है हमारा, ओरिजिन हमारा ये है और डेस्टिनेशन क्या है, तो डेस्टिनेशन में है रेंज एफ फाइव की वैल्यू के साथ कंबाइन है एफ फाइव और फिर ये आपका चलेगा नेक्स्ट। समझ में आया सर, अब मैं यहां पे कॉपी का बटन करता हूं प्लीज। तो ये बार बार नीचे वाला क्यों दिखाई दे रहा है, कॉपी और इसमें जब कॉपी हो जाएगा यहां पे लिखता है, यहां पे लिखता है कि योर MSG box file copy completed, file copy completed, file copy check करना है आपको, तो आप चले जाइए डी ड्राइव के 2016 फोल्डर के, 2017 है ना, 2017 फोल्डर के, सी ड्राइव के 2016, सी ड्राइव के 2016 के ई के नंबर फोल्डर, ठीक है। तो कोई डाउट इसमें, अब एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं क्या है सब बाकी सब। सबसे पहला है हमें, सबसे पहला क्या है, थोड़ा सा लेंदी है, हमें क्या करना है कि हमें अलग अलग लोकेशन से हमें फाइल को सिलेक्ट करना है, हो सकता है कि एक लोकेशन में कई सारे फाइल्स हो, तो हमारे पास फाइल गेट ओपन, गेट ओपन फाइल नेम का एक मेथड है जिसमें हम अपने फाइल्स को दे सकते हैं, जितना सिलेक्ट करेंगे उतना हमें दे जाएगा। बट यहाँ पे क्या होता है कि जब भी मान लीजिए हम ओपनिंग करते हैं, मान लीजिए तो डायरेक्टरी देता है ना, हमें डायरेक्टरी का ऑप्शन देते हैं, तो डायरेक्टरी ऑप्शन देते हैं, यहाँ पे हमें बहुत सारे फिल्टर करने, क्योंकि मान लीजिए 1000 फाइल है उसमें फाइल ढूंढना मुश्किल होता है, तो एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग हमें फिल्टर करने का ऑप्शन देता है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने इतने सारे एक्सटेंशन दे रखे हैं, लेकिन मुझे जो जरूरत पड़ती है चार पांच की पड़ती है, तो वो चार पांच एक्सटेंशन के लिए हमने इस फॉर्मेट में लिख रखा है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे मल्टी फाइल में हमने ट्रू कर दिया, लास्ट में मल्टी फाइल था तो हमने ट्रू कर दिया, मतलब कि हम एक से ज्यादा फाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर एक से ज्यादा फाइल सिलेक्ट नहीं करना, एक ही करना है तो यहाँ पे फॉल्स होगा, एक से ज्यादा फाइल करना है तो ट्रू होगा। अब एक से ज्यादा फाइल सिलेक्ट होगा तो वो एरर फॉर्म में होगा, उसके लिए लूप लगाना पड़ेगा। तो लूप हमने यहाँ लगाया कि लोअर बाउंड से अपर बाउंड पे चले और हर एक वैल्यू को सीट पे डाल दे। ए माइक्रो क्या कर रहा है आपका, ए माइक्रो कर रहा है कि जितने भी फाइल्स जो सिलेक्ट कर रहे हो उसका लिस्ट यहाँ दे देना, एक के नीचे एक के नीचे, और मुझे इन फाइलों को कॉपी कराना है इस पर्टिकुलर लोकेशन पे। तो मुझे एक और डायरेक्टरी सिलेक्ट करनी है कि भाई मैं सिलेक्ट करूं तो मुझे एक फोल्डर का नाम दे, क्योंकि पूरा फाइल का नाम दे रहा है लेकिन मुझे फाइल नेम सेम ही रखना है, मुझे फोल्डर नेम अलग अलग, फोल्डर अलग करना है। तो मुझे सिर्फ डायरेक्टरी का लोकेशन चाहिए, किसी फाइल का लोकेशन नहीं चाहिए। तो मैंने यहाँ पे डायलॉग बॉक्स जो है ना, फाइल डायलॉग वाला मेथड किया, इसमें हमने सेलेक्ट कर लिया एमएसओ फाइल डायलॉग फोल्डर पिकर। हमने यहाँ पे फाइल पिकर भी इसमें होता है लेकिन फाइल पिकर नहीं लिया, फोल्डर पिकर लिया, फोल्डर पिकर लिया। और यहाँ पे हमने डिफॉल्ट लोकेशन बताई, टाइटल बताया, शो करने का ऑप्शन बताया, और जो भी फाइल सिलेक्ट करेंगे इस कोड के माध्यम से इस लोकेशन पे शेयर हो जाए। और हमने स्लैश जोड़ के भी फाइल नेम जोड़ना है, इसलिए हमने यहीं पे सिलेक्ट किया। अब बात आती है कॉपी, तो कॉपी करने से पहले मुझे इन सबों का फाइल में इसमें से अलग करके इसमें जोड़ना है। तो मैंने क्या किया कि इन str reverse का फॉर्मूला है, ये फाइन फॉर्मूले की तरह होता है लेकिन लास्ट से चलता है, इसलिए लास्ट से चला और लास्ट का जो स्लैश है इस स्लैश को काउंट किया और काउंट करके इसका लोकेशन बता दिया कि इसका लोकेशन क्या है, काउंट क्या है, मतलब कि इसका किस कितने नंबर शीट्स पे है। ठीक है, तो यहां हमने अलग किया राइट के मदद से और फिर हम उसको एक एक करके कॉपी करते हैं। तो ये फाइल में आप सबको भेज रहा हूं, आप सब इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई डाउट होता है तो हम आपके पास, आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो ऐसा कोई डिलीट का भी आता है? डिलीट का भी है, तो डिलीट में जस्ट किल, जहां पे कॉपी हमने फाइल कॉपी का कोड रखा वहां किल का होगा, किल मतलब डिलीट करना होता है। ओके ओके सर, ठीक है ठीक है। तो इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए, छोटी मोटी डाउट्स के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं, बड़े डाउट हो तो नोट कर लीजिए और YouTube पे हमारे वीडियो कंटिन्यू देखते रहिएगा। तो मिलते हैं। सर एक डाउट था, कर सकते हो तो? हाँ नरेश जी, क्या डाउट था? हेलो।